हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बन टोटा के पिच रिपोर्ट के बारे में। अब अगर हम लोग हम्बन टोटा के पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो LPL के बहुत सारे मैचेज होने वाले हैं। किस तरीके से मैसेज हो सकते हैं उसको जो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे LPL से रिलेटेड, BBL से रिलेटेड सारे मैसेज जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस आने वाला है, सबका डिटेल्स आने वाला है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। और सबसे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोफाइल उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। और साथ में कॉल पीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत अच्छी तरीके से जो प्रोफाइल उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो ये जो है ओपन किया गया था 2009 में, और आपको पता है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट से जो है ये ओपन हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं तो इस ग्राउंड को जो है हम्बन टोटा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ पर अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो ग्राउंड जो है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि छोटा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर जो है देखोगे बाउंड्री जो है थोड़ा सा छोटा जरूर रखा जाता है, या फिर जो है बैटिंग ग्राउंड जो है रखा जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो है वो फ्लैट तरह के जो है ग्राउंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे तो लोकेशन जो है वो हम्बन टोटा श्रीलंका में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग टाइम जोन की बात करते हैं तो 5:30 जो है वो ऑलमोस्ट इंडियन नेशनल टाइमिंग जो है वो फॉलो होता है। और ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है ग्राउंड, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो है आपको एक बैटिंग ग्राउंड की तरह जो है बिहेव करता हुआ नज़र आता है। और ये जो है बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को फेवर करता है, बॉलर्स को जो है वो शुरुआती फेज में जो है ये मदद करते हुए नज़र आता है। लेकिन अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कंडीशन देखने को मिलता है, तो आप देखोगे तो बॉलर के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो उतना ज़्यादा जो है फेवरेबल नहीं रहता है, पूरे फुल इनिंग जो है फेवरेबल नहीं रहता है, हल्का सा जो है फेवरेबल शुरुआत के इनिंग में जो है फेवरेबल ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर तो बैट्समैन के हिसाब से देखते हैं तो बैट्समैन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है ग्राउंड रहता है, यानी कि यहाँ पर बैट्समैन के हिसाब से जो है एक अच्छा सा जो है वो रन बनता है, शुरुआत के ओवर में थोड़ा सा जो है बॉल स्विंग करते हुए नज़र आता है, लेकिन अगर उस कंडीशन को हटा दिया जाए तो उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बैटिंग होता हुआ नज़र आता है, काफ़ी अच्छा बैटिंग होता है, बहुत सारे जो है यहाँ पे रन बनते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपको जो है वो देखने को जो स्कोरिंग एरिया है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे कि जिस तरह का जो है ये ग्राउंड है, वैसे ग्राउंड पे जो है एक अलग सीनरी जो है आपको कुछ अलग इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पे बॉल जैसे ही आउट फील्ड के बाहर जाता है तो एक तेज़ी से जो है बाहर जाता हुआ नज़र आता है ग्राउंड पे। और इसके अलावा भी हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडीशन जो है यहाँ पर फॉलो होता है उस कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे तो जो स्पिन बॉलर है वो भी जो है उतना ज़्यादा इफेक्टफुल जो है नहीं होता है। अब देखना होगा ग्राउंड किस तरीके से बनता है, लेकिन जो पिछले एडिशन में जो मैसेज हुआ था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उतना ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल जो है वो नहीं होता है यहाँ पे स्पिन भी, क्योंकि जब फ्लैट ग्राउंड रहता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रन लगता हुआ नज़र आता है। आप इस ग्राउंड को कंपेयर कर सकते हो जैसे मुंबई का जो ग्राउंड है, जो वानखेड़े ग्राउंड है, उस ग्राउंड की तरह जो है बिहेव करता हुआ नज़र आता है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर स्कोर बनता हुआ जो है वो नज़र आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पर, तो आप देखोगे इस ग्राउंड का जो कंडीशन रहता है फ्लैट ग्राउंड है, वेदर भी जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहता है, तो वैसे जो है जैसे मुंबई वाला कंडीशन बनता है वैसा कंडीशन यहाँ पे बन जाता है, बाउंसिंग विकेट जो है थोड़ा सा जन बनता हुआ जरूर नज़र आता है। इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लार्ज बाउंड्री है, मीडियम और स्मॉल रेंज की जो है बाउंड्री देखने को मिलती है, या तो कहीं पर मीडियम रेंज रहेगा कहीं पर जो है वो स्मॉल रेंज की जो है बाउंड्री आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जिस तरह का ये ग्राउंड है, तो अगर हम लोग जैसे बॉलर की हम लोग बात कर लिए कि चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, इसमें जो है अगर देखना है हमें तो देखो जो सबसे पहले अगर हम लोग फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर जो है शुरुआत में थोड़ा सा इम्पैक्टफुल जरूर हो जाता है, लास्ट में जो है फास्ट बॉलर को मार पड़ने लगती है यहाँ पे। और अगर स्पिन बॉलर है तो स्पिन में जो है अगर थोड़ा सा ड्राई पिच मिल जाता है, वेदर जो है थोड़ा सा धूप वाला वेदर है, बारिश वरिश थोड़ा सा नहीं हो रहा है या थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कंडीशन में जो है यहाँ पे जब मॉइस्चराइज नहीं रहता है ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा जो है मदद मिलता है वो आपको जरूर नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मदद बिल्कुल भी नहीं मिलता, आप देखोगे जैसे वांगड़ू हसरंगा हो गया या फिर अभी थिकसाना का जो है टाइम चल रहा है, तो देखोगे ये बॉलर जो है यहाँ पर तंग करते जरूर हैं, तो ये जो है बॉलिंग पिच के हिसाब से तंग नहीं करते हैं, अपने बॉलिंग क्वालिटी के हिसाब से तंग करते हैं, तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बात करते हैं स्कोरिंग ग्राउंड जो है यहाँ पे आपको काफ़ी इजी दिखाई देगा, शुरुआत के एक दो मैचेज हो सकता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मैचेज ना हो, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखना ध्यान से कि जैसे जैसे मैसेज यहाँ पे होते जाएगा आप देखोगे कि अच्छा सा जो है स्कोरिंग एरिया जो है यहाँ पे मिलते जाएगा
और जैसे जैसे स्कोरिंग एरिया मिलता जाएगा एक अच्छा सा जो है और रन बनने के चांसेस भी जो है यहाँ पे बनते जाएगा। इस नियो जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसी तरह का जो है ग्राउंड आपको आगे भी दिखने को मिलता है। अब बैट्समैन में आपको किसको पिक करना है, देखो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अच्छे फॉर्म में है यहाँ पर बहुत अच्छा रन बना सकता है। जो अभी वीक है भले कितना भी बड़ा प्लेयर हो वीक है अच्छा फॉर्म नहीं है तो आप पिक करके मत चलना क्योंकि ये ग्राउंड शुरुआत में बहुत ट्रिकी हो सकता है वैसे बैट्समैन के लिए जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा भी अगर देखो अगर कोई ऑलराउंडर है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप ऑलराउंडर को पिक करके चल सकते हो क्योंकि ऑलराउंडर के हिसाब से जो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है क्योंकि वहाँ पे ऑलराउंडर क्या होता है देखो ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं फेंकता ना ही ज़्यादा कुछ स्पिन बॉलर फेंकता है, कैसा फेंकता है मीडियम फास्ट बॉलर फेंकता है और मीडियम फास्ट बॉलर जो है वो हर जगह इम्पैक्टफुल होता है। तो इस सीनरी को जो है आपको लेके चलना है, इग्नोर नहीं करना है कि ये सीनरी जो है आपको हर जगह इम्पैक्टफुल जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिस तरह का कंडीशन है वह स्कोरिंग करना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो होप सो कि आपको जो इसके बारे में जो आइडियाज़ जो है मिल गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग डाटा देख लेते हैं। T20 इंटरनेशनल मैच की बात करते हैं, यहाँ पर 7 मैचेज में से जो है वो देखोगे बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको। 5 फर्स्ट पर जीता है, 2 सेकंड पर जीता और फर्स्ट पर एवरेज देखोगे तो 131 है। ये जो है मैं इंटरनेशनल मैचेज की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर ज़्यादा मैचेज हुए नहीं है लेकिन इंटरनेशनल मैचेज में एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक जो है वो काफ़ी कम रन यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। डोमेस्टिक मैच की बात करें तो 26 मैच में से 13 फर्स्ट पर जीता है, 13 सेकंड पर जीता है और देखो एवरेज कितना चेंज हो गया, 172 जो है एवरेज दिखाई देता है। हाईएस्ट भी देखो जो है वो आपको कैंडी वारियर बनाया था यहाँ पे 219 रन और कोलंबो जो है यहाँ पे लोएस्ट बनाया था 96 रन जो कि पिछले साल बनाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न का तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 150 से नीचे 6 स्कोर है, 150 से 17 बीच में 5 स्कोर है सॉरी 5 स्कोर है और 170 से ऊपर जो है 8 स्कोर है और 190 से ऊपर जो है 8 स्कोर है। तो ये वाला जो एरिया देखोगे 170 से ऊपर आपको 16 स्कोर देखने को मिलेगा 26 में से, तो 26 में से 16 स्कोर अगर आप हाइएस्ट की तरफ है तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर जो है रन काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े चाहते कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत इस तरीके से प्रॉफिट उठा सकते हैं जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आपको ये नंबर जो है वीडियो डिसीजन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप कॉल प्लीज सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिसीजन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत इसी तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।